Hey guys, welcome back. So, आज जरा बात करते हैं ड्राइवर्स लाइसेंस की, which you would need here in Canada. अब आपको ड्राइवर्स लाइसेंस की जरूरत क्यों पड़ेगी, ड्राइवर्स लाइसेंस कितने तरीके के होते हैं, DL लेना कैसे है, कॉस्ट क्या आती है और रोड टेस्ट के दौरान चेक क्या क्या किया जाता है, ये सब कुछ वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. एंड इफ यू स्टे टिल द एंड, आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ एंड वाई आई फेल्ड माई फर्स्ट ड्राइविंग रोड टेस्ट सो दैट यू कैन ऑल्सो अवॉइड द सेम मिस्टेक्स. सो माई नेम इज निशांत एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Now let's first discuss why you would need a driver's license. So वैसे तो अगर हम बात करें major cities की such as Toronto, Calgary, Vancouver and Montreal, तो यहाँ पे public transport काफ़ी अच्छा होता है, especially Toronto. But as you know that Toronto is too expensive, so इसलिए these days people prefer to live in suburbs, मतलब downtown Toronto से थोड़ा दूर. In fact थोड़ा नहीं, काफ़ी दूर, इन प्लेसेस सच एज ब्रैम्पटन, मिल्टन, बर्लिंगटन, मरकम, ओशवा, विटबी एंड वेरियस अदर प्लेसेस. एंड इन सम ऑफ दीज प्लेसेस यू वुड नॉट फाइंड अ कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल टू टोरंटो अगर आपका ऑफिस टोरंटो में है, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है. एंड इन केस आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल भी गया, देन इट कैन टेक यू अप टू 1.5 hours वन वे. अब दिल्ली और मुंबई वाले लोग बोलेंगे कि यार इतना तो हम रोज ही ट्रैवल करते हैं, सो इट्स फिजिबल फॉर अस. बट द डिफरेंस हेयर इज कैनेडा की विंटर्स विच आर ब्रूटल. सो जब नेगेटिव टेम्परेचर्स में आपको बस स्टॉप पे 15-20 मिनट खड़े रहना पड़ेगा बस की वेट करने के लिए, तो हालत ख़राब हो जाती है और उस टाइम पे गाड़ी की बहुत याद आती है. एंड ऑल्सो कैनेडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्रीज, सो टू एक्सप्लोर दिस कंट्री यू वुड अगेन नीड अ कार, अब चाहे अपनी या फिर कार रेंटल, बिकॉज यहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट्स एंड ट्रेन्स आर रियली एक्सपेंसिव. सो नाउ अगर आपको अपनी कार खरीदनी है या फिर कार रेंट करनी है, इन एनी केस यू वुड नीड अ ड्राइवर्स लाइसेंस. Now let's discuss driver's license कितने तरीके के होते हैं. So we will discuss about the license that you would need to drive a car. I will not be touching on the licenses required to drive a truck or any other heavy vehicle. Also we will be talking about Ontario driver's license here, which is classified as class G license. अब बाकी provinces में भी process is very similar, it's just that the name of the driver's license is a little different. For example in British Columbia and Alberta, the license that you need to drive a car is classified as class 5 license, but in Ontario it is called class G license. So let's discuss that further. जैसे इंडिया में वी हैव टू लेवल्स, वन इज द लर्नर्स लाइसेंस एंड देन यू फाइनली गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस, वैसे ही कनाडा में भी लेवल्स होते हैं, बट दो नहीं, इनफैक्ट तीन. द फर्स्ट वन इज G1, देन G2 एंड देन फाइनली G. टू गेट योर G1 यू नीड टू बी एटलीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एज. इसका एक थियोरेटिकल एग्जाम होता है विच इज डिवाइडेड इन टू सेक्शंस. द वन सेक्शन इज फॉर द रोड साइंस एंड द अदर सेक्शन इज फॉर द ट्रैफिक रूल्स. दोनों ही सेक्शंस में 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड यू नीड टू गेट 16 क्वेश्चंस राइट इन ईच सेक्शन टू पास दिस एग्जाम. दिस एग्जाम विल कॉस्ट यू अराउंड $159 और ये एग्जाम आपको काफ़ी ईजी लगेगा अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो. सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम फ्रॉम द ऑफिशियल MTO ड्राइवर्स हैंडबुक. MTO मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ Ontario. सो इनकी एक अपनी ऑफिशियल ड्राइवर्स हैंडबुक है, सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम फ्रॉम देयर. एंड आफ्टर दैट यू कैन गिव अ लॉट ऑफ सैम्पल टेस्ट फ्रॉम द G1 जीनियस मोबाइल ऐप. आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक टू बोथ ऑफ देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो अगर आपने ये दोनों चीज़ें अच्छे से करी हैं, देन यू कैन easily pass this exam. और आपका result आपको उसी time बता दिया जाता है. So if you haven't cleared the exam, then you can reappear for this exam on the same day as well if you want. But if you have cleared the exam, then congratulations, you will get a confirmation receipt which will act like a paper license and you will get your G1 driving license card at your mailing address within 2 weeks of time. And as I said, G1 is a learner's license. So after you have got your G1, you can start taking driving classes. But remember, with G1, it is illegal to drive a vehicle without an accompanying fully licensed driver. So इसलिए अकेले गाड़ी लेके कहीं पे निकल मत जाना, it is illegal. If you are a first-time driver, then after getting your G1 license, you need to wait for 12 months before you can appear for a road test to get your G2 license. But if you have taken a government-approved driver's education program, which basically means that you have taken your driving classes from a government-approved driving training center, then you need to wait only for 8 months instead of 12.
But if you are an experienced driver, then you can get this 8 or 12 month of waiting period waived off completely. But for that, you would need your driving extract from your home country, which should not be older than 6 months when you are appearing for your G1 written test. So if you have your driving extract, not only the waiting period will be waived off, in fact, you can skip the G2 test altogether and straight away go for the G license. Ab baat karte hain G2 license ki, for which you would need to give a practical driving road test at an Ontario Drive Test Center. I have provided a link below where you can find all the drive test centers near your location and book a road test for yourself. This road test will obviously test your basic driving skills, ensuring that you have a proper understanding of all the traffic rules and you can safely drive a vehicle. This road test will cost you around $53 as of today. Now, even if you are an experienced driver and you have got your waiting period waived off, I would still not recommend you to straight away book a road test and go for it. Driving classes lena are a must because yahan pe traffic rules and road signs kafi alag hain jinko samajhne mein thoda time lag jata hai. So even if you have more than 10 years of driving experience, I would still recommend take at least 3 to 4 driving classes. A driving class of 1 hour will cost you around $30 to $50 from a private driving instructor. And driving classes लेना ज़रूरी इसलिए भी है because यहाँ पे traffic rules को काफ़ी ज़्यादा seriously लिया जाता है. हर जगह पे CCTV cameras लगे हैं, so आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने कोई traffic rule break कर दिया और पुलिस की गाड़ी आपके पीछे siren बजाती हुई आ रही है to stop you and give you a ticket. And these tickets, या कहो चालान, will put negative points on your driving license, which will increase your car insurance premium. So हर जगह से फटका. चालान जो भरा वो अलग, ऊपर से कार इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ जाएगा. एंड यहाँ पे कार इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है. यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड $250 to $400 पर मंथ फॉर अ न्यू कमर जो कैनेडा में पहली बार गाड़ी चला रहा है. अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो अपने ड्राइविंग रोड टेस्ट के लिए मैं गाड़ी किसकी लेके जाऊं? सो व्हेन आई वाज गिविंग माय रोड टेस्ट, मुझे ये लगता था कि मैं ड्राइव टेस्ट सेंटर पे जाऊंगा एंड वहां पे गाड़ियां अवेलेबल होंगी जिन्हें आप यूज़ करके अपना रोड टेस्ट दे सकते हैं. बट ऐसा नहीं है. यू विल नीड टू आस्क योर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, जिनसे आपने ड्राइविंग क्लासेस ली हैं, टू कम अलॉन्ग विद यू फॉर योर रोड टेस्ट एंड यू विल यूज़ देयर कार. सो अ ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर विल चार्ज यू अराउंड $100 to $150 फॉर दैट पर्टिकुलर डे. Now that you have your G2 license and if you are 19 years of age or above, then you are permitted to independently drive on any Ontario roadway, including highways, at any time of the day. But agar aap 19 years se kam ke hain, then between midnight and 5 am you cannot have more than one passenger in your car who is less than 19 years of age. Ab baat karte hain final license ki, which is the G license. After you have your G2 license for 12 months, you can appear for the road test to get your G license. But as I said, if you are an experienced driver and you have your driving extract with you, then this waiting period will be waived off and you can straight away go for the G license and skip the G2 altogether. But I would not recommend doing that. बिकॉज एक तो G2 लाइसेंस और G लाइसेंस में ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं. G2 लाइसेंस के साथ भी यू कैन ड्राइव ऑन एनी रोड एट एनी टाइम ऑफ द डे इफ़ यू आर 19 ईयर्स ऑफ एज और अबव. ऑल्सो G2 लाइसेंस का जो ड्राइविंग टेस्ट है, इट इज़ रिलेटिवली सिंपल इफ़ यू कंपेयर दैट टू द G लाइसेंस. G2 लाइसेंस के रोड टेस्ट में दे विल टेस्ट योर ड्राइविंग स्किल्स विद इन द सिटी रोड्स, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा कि वो एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं. But for the G license, they will test your driving skills on a highway as well, where you would need to maintain a high speed, which is around 100 kilometers per hour. So for someone which is driving in Canada for the first time, to 100 kilometers per hour ki speed pe gaadi chalane mein thoda dar to lagta hi hai. Especially when the requirement is that while merging into the highway from a city road, your merging speed should be equal to that of the highway speed, which is again around 80 or 100 kilometers per hour. So utni speed pe merge karna and then to check all your blind spots, jo hum Indians ko utni aadat hoti nahi hai, it gets a little difficult. And then when you need to take an exit from the highway and merge back into the city road, so then you need to be aware well in advance ki aapka exit aane wala hai ya nahi, taki aap pehle se hi gaadi exit lane ki taraf rakhein instead of making an emergency exit. So काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ध्यान में रखने के लिए. सो इसलिए गवर्नमेंट ने जो सीधा रास्ता बनाया है ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, उसी पे चलना सही है, विच इज़ पहले G1, फिर G2 एंड देन G.
धीरे धीरे करके कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाना इज अ सेफ ऑप्शन फॉर यू एंड अदर्स ऑन द रोड एज वेल. नाउ लेट मी टेक यू आउट एंड शो यू सम ऑफ द रोड साइंस एंड प्रैक्टिकलिटीज जो रोड टेस्ट में चेक की जाती हैं. सो लेट्स गो. द साइन अहेड ऑफ अस इज अ स्टॉप साइन. इट मीन्स दैट व्हेनेवर यू सी दिस साइन यू हैव टू मेक अ स्टॉप. सामने वाली जो रोड है इंटरसेक्शन वाली, उस पर जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं उनका राइट ऑफ वे है, मतलब दे कैन मूव फ्रीली विदाउट स्टॉपिंग बट यू हैव टू मेक अ स्टॉप. लुक लेफ्ट एंड राइट एंड इफ द वे इज क्लियर ओनली देन यू कैन स्टार्ट मूविंग. द साइन बोर्ड अहेड ऑफ अस इज अ स्टॉप ऑलवेज साइन विच इज़ अ लिटिल डिफरेंट देन द नॉर्मल स्टॉप साइन. सो व्हेनेवर यू सी द स्टॉप ऑलवेज साइन, तो इसका मतलब है कि उस इंटरसेक्शन की हर साइड की रोड पर ये साइन बोर्ड जरूर होगा. सो लेट मी शो यू. नाउ इफ यू मूव टू द अदर साइड ऑफ द रोड यू विल फाइंड द सेम स्टॉप ऑलवेज साइन लाइक दिस. अब इसका मतलब ये है दैट एट दिस इंटरसेक्शन एवरी कार हैज टू मेक अ स्टॉप. And the car which was the first one to reach at this intersection will have the right to move first and so on. Now this is a speed limit sign. As it says, maximum 30 begins. This means that from this point ahead, you need to maintain the speed which is mentioned on this board. In this case, 30. Na isse zyada, na isse kam. In Canada, pedestrians have the right of way. So at any intersections in the inner lanes where there is no traffic light, the pedestrians have the right to move first. The cars will have to stop till the pedestrian has crossed the road. Only then they can start moving. This is a very important thing to keep in mind. If you fail to do so or pose any threat to the pedestrian, you will fail your exam at the very moment. Another important thing is parallel parking, which means parking your car between the two cars or behind a particular car. Like this yellow Kia Soul is parked right behind the grey Dodge Caravan. So for the parallel parking, you simply need to bring your car parallel to the car ahead of you, keeping 1 meter distance, and then start reversing your car and park it behind it. The most difficult part of driving in Canada is to make a left turn. Unlike India, Canada में parallel road or you can say opposite roads की green light एक साथ होती है. So it gets really difficult to make a left turn when there is a heavy flow of traffic coming from the opposite side of the road as well. So you just have to be patient and wait until the flow of traffic from the opposite side of the road gets lighter and you feel that it is safe to make a move. Only then you can go ahead and make a left turn, just like this grey Mazda 3 is doing. Now let me share my experience. I had my driving extract, because of which I could get my waiting period waived off. And usi lalach mein aake, I skipped my G2 test and straight away went for the G license test. And as I said, G license test is a little difficult if we compare that to the G2 test. And because of which, invigilators are also very strict while deducting your points even for a very small mistake. So mujhse do galtiyan hui. Pehli ye, that while driving, my car was not centered between the two lanes. यस, ये यहाँ पे गलती है. सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है दैट व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, आप जिस भी लेन में ड्राइव कर रहे हैं, योर कार शुड बी सेंटर्ड इन दैट लेन. ऐसा नहीं कि धीरे धीरे आपकी कार खिसकती इधर को घूम रही है, जो कि मेरे साथ एक आध बार ऐसा हुआ दैट द बोथ द टायर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माई कार वर ऑन द लाइन, दे वर नॉट सेंटर्ड इन द लेन. एंड दूसरी गलती ये दैट पार्किंग से कार निकालते टाइम व्हाइल आई वाज टर्निंग द कार, मेरे दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे नहीं थे. मैं अपना सिर्फ एक हाथ यूज़ कर रहा था टू टर्न द स्टीयरिंग व्हील. सो सिर्फ इन दो गलतियों की वजह से आई फेल्ड माय जी लाइसेंस टेस्ट. एंड वंस यू फेल योर जी लाइसेंस टेस्ट, यू कैन नॉट रीअपियर फॉर दिस एग्जाम. आपको पहले G2 टेस्ट देना पड़ेगा. वंस यू क्लियर दैट, ओनली देन यू कैन गिव द जी लाइसेंस टेस्ट. बट फॉर्चुनेटली मैंने अपनी गलतियां सुधारी और जब मैं अपने G2 टेस्ट के लिए गया, आई क्लियर दैट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. सो आप भी प्लीज इन गलतियों का जरूर ध्यान रखिएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल. सो प्लीज स्मैश द लाइक बटन एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर सच कंटेंट ऑन लाइफ इन कैनेडा देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ.